देखिए बच्चों, अब जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम निकालना चाह रहे हैं। पर अब इसमें एक समझने के लिए एक बात आप समझ जाइए, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको एनर्जी खर्च क्यों करनी पड़ती है, इस बात को थोड़ा सा समझ जाइए। मान लीजिए मैं एक रोबोट हूं, ठीक है, दो रोबोट लेते हैं, रोबोट ए रोबोट बी, दोनों एक ही मॉडल के रोबोट हैं। फुल चार्ज करने के बाद दोनों के पास 200 जूल एनर्जी होती है, रोबोट ए के पास भी 200 जूल एनर्जी है और रोबोट बी के पास भी 200 जूल एनर्जी है फुल चार्ज करने के बाद। तो फुल चार्ज करने के बाद दोनों के पास 200 जूल एनर्जी है। अब जो रोबोट के एक हाथ में एक मैग्नेट पकड़ा दिया गया है और दूसरे हाथ में लोहे का टुकड़ा, और इसके हाथ को आप कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हो। तो पहला जो रोबोट है उसके हाथ में एक लोहे के टुकड़े को पकड़ा के उसको यहां पर एडजस्ट कर दिया गया है और ऐसे मोड में रख दिया गया है कि ये लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के चारों तरफ घुमा रहा है। चूंकि अभी लोहे का टुकड़ा जो है, ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट के बहुत पास घुमा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में इसको बहुत ताकत लग रहा है क्योंकि मैग्नेट बहुत अच्छे से इसको खींच रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई। तो अभी के बाद में क्या दिख रहा है, इसके केवल 50 जूल एनर्जी इसके पास रीडिंग आती है। मतलब यहां पर क्या है, मीटर लगा हुआ है, जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो 200 जूल दिखाता है और एक राउंड घूम के जब इलेक्ट्रॉन आता है तो 50 जूल दिखता है। मतलब 150 जूल एनर्जी क्या किया, ये खर्च कर दिया। कितना एनर्जी खर्च कर दिया, 150 जूल। लेकिन जो रोबोट बी है, जब उसको फुल चार्ज करके, रोबोट बी को फुल चार्ज करने के बाद जब लोहे के टुकड़े घुमाया जाता तो उसमें हाथ को थोड़ा दूर में सेट किया गया, तो वो चूंकि अब मैग्नेट लोहे के टुकड़े से दूर है इसलिए कम एनर्जी खर्च होगी उसकी, क्योंकि अट्रैक्शन कम लगेगा। तो एक सर्कल घुमाने के बाद देखते हैं इसके पास रीडिंग आती है 120 जूल बचा है, मतलब ये खर्च कितनी किया, 80 जूल। तो ये 80 जूल खर्च किया है या 120 जूल, तो बचा किसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा एनर्जी बचा। इससे क्या शिक्षा मिली हमको, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पर घूमता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का अपोज उसको उतना ही कम करना पड़ता है और कम एनर्जी खर्च होती है, मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी बचती है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्शन को अपोज करके उसको घूमना पड़ता है तो उसकी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, तो बचेगी उसके पास कम एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर घूमता है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगता है तो कम एनर्जी उसकी लड़ने में खर्च होती है, लड़ने मतलब न्यूक्लियस से लड़ने में कम एनर्जी खर्च होती है, अपोज करने में तो ज्यादा एनर्जी उसके पास बचती है। ठीक है, क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना पास रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को अपोज करने में खर्च करेगा और उतनी कम उसके पास बचती है, और जो जितना दूर रहेगा उतना कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन झेलेगा तो उतनी कम एनर्जी खर्च करेगा तो ज्यादा एनर्जी उसके पास बचेगा। ये जो है फंडा है नॉर्मल कि क्यों न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, दूर वाले की ज्यादा क्यों होती है, उसका कारण हो गया। और इसलिए हम लोग साइन क्या दे देते हैं, निगेटिव साइन दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसमें निगेटिव साइन दे देते हैं। ठीक, अब एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी, उसको मैं ईटी बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है। क्यों होती है ये समझ जाइए, ऐसा बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर, मतलब न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस में है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर मिलाना है। ये न्यूक्लियस है, यहां डिस्टेंस आर है और ये इन्फिनिटी है, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में था उसको न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर में लाने में जितना वर्क करना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हायर एनर्जी इन्फिनिटी मतलब हायर एनर्जी ले, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, इसलिए साइन क्या रहता है, माइनस। हायर टू लोअर में आएगा तो लूज करेगा तो माइनस साइन, वो मैं आपको बता भी दिए क्यों क्या लूज करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह में घूमता है। अब यहां पर क्या हुआ, ये कैसे आया, तो जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाए
तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस साइन कारण आपको बता चुका हूं, लूज करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, तो ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर और आर बचेगा, तो आर आर कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर अपन आर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है उसका मीनिंग क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी डिस्टेंस है आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसके लिए हम लोग को पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर में लाने के लिए, आर डिस्टेंस तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वही इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, जिस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ये आर जो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और डी आर का आर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे दिया जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने में लिखा है, इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहां तो क्लियर है, इसको छोटा देता हूं। दूसरी चीज आप गौर करेंगे कि यहां पर एम वी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर, तो ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन आर एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब एम वी स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यही चीज को एम वी स्क्वायर की जगह लिख देते हैं, देखिए तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे जेड स्क्वायर अपॉन आर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस की वैल्यू बड़ी है वन है, तो माइनस साइन आ जाएगा, वन में से हाफ को माइनस करेंगे, ये वन है ना भाई, ये वन जेड स्क्वायर अपॉन आर ये हाफ है, तो वन में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो गई माइनस जेड स्क्वायर अपन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू जहां पर निकाले थे उसी आर की वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ जेड स्क्वायर आर की जगह पूरक रख देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर कहाँ गया, देखिए माइनस हाफ लिखा जेड स्क्वायर, आर की जगह मैं पूरे कर रख रहा हूँ ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अब ये जो ये था ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, माइनस वन बाई टू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, और कुछ कैंसिल होने के लायक नहीं है, माइनस आ गया, इधर बचा टू पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर फोर, क्योंकि दो है ई स्क्वायर और जेड, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अरे जेड दो बार तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जेड भी आ जाएगा ना, तो क्या हो गया टू पाई स्क्वायर हो गया, टू पाई स्क्वायर एम, टू पाई स्क्वायर हो गया एम हो गया, ई टू द पावर फोर हो गया, ये दोनों ई हो गया, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको मैं शुरू से बताता रहा हूँ और ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट करके बताया। देखिए रेगुलर क्लासेस में क्या है, उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला होता है, पर क्यों, तो अभी क्यों जरूरी है भी मैं आपको बताता हूँ, इसका डेरिवेशन जाना अभी फिलहाल क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की क्या है। अब मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा जिसको आईआईटी में पूछा गया है, ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूं, अब क्यों ये फॉर्मूला डिराइव किया क्यों कैसे है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।